हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो. दिस इज़ आयुष एंड आज अपने साथ में है अपडेटेड बजाज की N250. कल इसे इंडियन मार्केट में लॉन्च करा गया है नए फीचर्स देके, स्टाइल एलिमेंट चेंज करके. वो क्या कुछ चेंजेस हैं आज इस वीडियो में एक वॉक अराउंड में जान लेते हैं. उसके बाद में उन चेंजेस से चलाने में इस बाइक के अंदर कितना डिफरेंस आया है वो चला के जानेंगे वॉक अराउंड के बाद में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक डिटेल रिव्यू को. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रंट डिज़ाइन से कि फ्रंट में आपको क्या कुछ चेंजेस वगैरह देखने मिलते हैं. तो यहाँ पे अगेन जो शेप है फ्रंट हेडलैम्प का, सभी चीज़ें सेम है. DRL और यहाँ पर आप लोगों को ये मेन हेडलैम्प प्रोजेक्टर यूनिट जो है वो देखने मिल रही है. काफ़ी मतलब अच्छी इंटेंसिटी इसकी है. जो नया आया है वो ये अपसाइड डाउन फॉक्स, वो भी अगेन गोल्डन कलर की रिम्स में. आई डोंट थिंक, मेरे को याद है किसी बजाज की बाइक में गोल्डन कलर के मैंने अपसाइड डाउन फॉक्स जो है वो यहाँ पर ये देखे हैं. और काफ़ी अच्छा है. 35mm का फ्रंट फॉक्स है. यहाँ पे 300mm का ये डिस्क ब्रेक. फ्रंट टायर की साइज़ भी बढ़ा दी गई है. 100 सेक्शन का ये फ्रंट टायर पे लाया करता था, 110 सेक्शन का अब कर दिया. 110/70 R17 MRF का ये टायर है. ओके ये रहा. और यहाँ पर आपको ये ट्विन पिस्टन ब्रेक कैलिपर्स ग्रीमे का के ड्यूल चैनल ABS है. अगेन यहाँ पर ये हॉर्न बचता कैसा है. ओके नीचे आप देखेंगे इंजन काउल यहाँ पर ये दिया हुआ है. अगेन काफ़ी डिसेंट लुक जो है वो इससे आता है, थोड़ा सा स्पोर्टी कैरेक्टर हो जाता है. ऑयल कूलर यहाँ पर लगा हुआ है. 249cc का ये इंजन है. 249cc का इंजन प्रोड्यूस करके देता है 24.5 PS 21.5 Nm के आसपास का टॉर्क. 5 स्पीड का गियरबॉक्स है, एक नीचे 4 ऊपर लगेंगे. जो ग्राफिक्स हैं वो चेंज कर दिए गए हैं. 14 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है. 250 यहाँ पर लिखा हुआ है. ये व्हाइट कलर, रेड कलर, ग्रे कलर, सभी के कॉम्बिनेशन जो है वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं. और ये साइड पैनल आप लोग देख सकते हैं, सभी चीज़ें जो है वो एकदम स्पोर्टी जो है वो बनाने की कोशिश करी गई है. ये फाइबर है, ये मेटल है, फाइबर है, ये फाइबर है, ये फाइबर है, ये फाइबर है. ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया ये भी फाइबर है. ठीक है, ये भी फाइबर है. तो मेटल में सिर्फ आपको टैंक मिल रहा है, दैट्स ऑल. बाकी बाइक को लाइट वेट रखने की कोशिश करी गई है. 165mm का ग्राउंड क्लियरेंस है और लाइट रखा है काफ़ी. 164kg का कर्व वेट है. एंड यहाँ पर आपके पास में पीछे पूरा सेटअप जो है वो भी काफ़ी अच्छा है. ये आप लोग देख सकते हैं कि इससे पीछे की तरफ हो जाते हैं, सॉफ्ट रबर दिया हुआ है. ये रियर ब्रेक यहाँ पर. और ओवरऑल जो क्वालिटी भी है मटेरियल की, इंजन की, अच्छी लग रही है. लेग गार्ड काफ़ी छोटा लगाया गया है ताकि ये बड़ा अच्छा भी नहीं लगता, छोटा अच्छा लग रहा है वैसे देखने में. और यहाँ पर मड गार्ड भी देखो, मतलब अटेंशन टू डिटेल. पीछे ब्लैक कलर यूज़ करा है, आगे रेड कलर यूज़ करा है. तो ओवरऑल जो ब्लैक रेड का कॉम्बिनेशन है बाइक का, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा. 3 कलर के अंदर बाइक आती है. रेड आप देख रहे हैं, ब्लैक आएगी और वाइट आएगी. मुझे पर्टिकुलर ये कलर अच्छा लगा, दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि मैं इसका ही रिव्यू करके आपको शेयर करूँ. यहाँ पर आप देख सकते हैं मोनोशॉक सस्पेंशन है, नाइट्रॉक्स एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में ट्विन आप लोगों को एग्जॉस्ट पाइप, इसका साउंड मैं आपको सुनाने वाला हूँ. ये भी फोल्डेबल है. अगेन ये मेटल में है, सभी चीज़ें रॉक स्टडी. पीछे वाले टायर की साइज़ भी बड़ी है. अब ये 140 सेक्शन का टायर मिलता है. 140/70 R17 MRF का अगेन टायर है. 230mm का डिस्क ब्रेक और सिंगल पिस्टन ब्रेक कैलिपर पीछे. यहाँ पर कुछ स्टेप्स स्विंग आर्म. और पीछे आप आ जाएंगे तो कुछ इस टाइप का ये टेल लुक है. डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है. ये ब्रेक लाइट कुछ इस टाइप की दिखाई दे रही है. इंडिकेटर मैं ऑन करता हूँ, एक बार आपको इंडिकेटर बता देता हूँ. तो अगेन ये LED के अंदर इंडिकेटर. क्यों नहीं चालू हुआ इंडिकेटर, हो गया. तो ये इंडिकेटर है. बट अगेन यहाँ पर वो नहीं है क्या, हज़ार्ड लैम्प. फ्रंट इंडिकेटर यहाँ पर माउंट करा गया है. हाँ, अच्छी जगह माउंट करा है. एक तो ऊपर है, दिखता भी अच्छा है. और बाइक गिरेगी तो टूटने के भी कुछ चांसेस बिल्कुल है ही नहीं. N250 यहाँ पर लिखा हुआ है रेड कलर का. ये पूरा प्लास्टिक में पार्ट है. यहाँ पर ये जो लाइट है, आई गेस ये वाइट कलर की है फॉर श्योर. रिफ्लेक्टर पीछे भी. मड गार्ड दोनों ही तरफ से लाइक माउंट किया हुआ है, मजबूत है सारी गार्ड. अगेन इसका भी लुक अच्छा है, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है आपको निकलवाओ उसको. चेन कवर आपको प्रॉपर मिल जाता है. मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, अगेन जैसे मैंने आपको बता दिया, स्लीपर असिस्ट फंक्शन के साथ में आती है बाइक. ये इंजन और टैंक साइज़ 14 लीटर मैंने आपको बताया है. जैसा कि ऊपर से आप लोग बाइक को देख लो, साइड से आप लोग देख चुके हैं एक बार. यहाँ पे अगेन कुशनिंग वगैरह डिसेंट है, कोई परेशानी एजन सच नहीं है. पल्सर यहाँ पर लिखा हुआ है. राइडर की जो सीट है ये भी काफ़ी बड़ी है साइज़ में. और साइड सपोर्ट जो है वो आपको अच्छा मिल जाएगा, ग्रिप अच्छी मिल जाएगी. तो आराम से एकदम पकड़ के बाइक को बैठ सकते हो, मज़ा आएगा. अभी चला के बताऊँगा आपको सारी चीज़ें. बात करेंगे जो नया आया है, राइडिंग मोड्स आए हैं. 3 राइडिंग मोड्स आए हैं. ट्रैक्शन कंट्रोल स्विचेबल आपको मिल जाता है. ब्लूटूथ कनेक्टिविटी यहाँ पर आपको मिल जाती है. कॉकपिट देखो यार बाइक का. अगेन ये ग्रिप वगैरह अच्छी है. क्लच कैसा है, लाइट है या हार्ड है, वो अपन चल के देखेंगे. ये पास स्विच है और यही हाई बीम पे ऑप्ट हो जाएगा. और यहाँ पे मोड, इधर आपका इंडिकेटर, ये हॉर्न, इधर आपका इंजन किल स्विच. लाइट वगैरह का जो है वो आप यहाँ से मैनेजमेंट संभाल सकते हैं. और यहाँ से बाइक स्टार्ट, साउंड सुन लो. ये है आपका आइडियल.
तो ये आइडियल कंडीशन पर साउंड आप लोगों ने सुन लिया बाइक का, डिसेंट साउंड है, बेस काफ़ी अच्छा है, लाउड उतनी ज़्यादा नहीं है, खैर लाउड होनी भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा ही साउंड पोल्यूशन हो रहा है। इसको ओपन करके बता देता हूँ, ये ऐसे ओपन हो जाएगा, ठीक है। क्या मस्त पेट्रोल की खुशबू आती है यार, आपको भी पेट्रोल की खुशबू पसंद हो तो नीचे कमेंट करो। ये चाबी भी काफ़ी अच्छी है, एकदम बिल्कुल बढ़िया सी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये नया डिस्प्ले है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में, नेविगेशन, कॉल, मैसेज तीनों फंक्शन इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। फ़ोन में बजाज ऑटो ऐप डाउनलोड करो और अपना यूज़ करो, और साथ ही आप बाइक किसी को शेयर कर रहे हो तो वो भी है कि आप लाइक आपका ऐप जो है वो उसके साथ में ऐसे शेयर कर सकते हो आईडी पासवर्ड कि दूसरा राइडर राइड कर रहा है और वो चल जाएगा, ओटीपी आपके नंबर पर आएगा, तो आप ऐसे बाइक को अपने शेयर भी कर सकते हो, वो भी नेविगेशन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है वो भी इंस्टॉल करके सारी चीज़ें नया आईडी पासवर्ड एंड ऑल। हाँ, अब यहाँ क्या है वो देखो, आरपीएम मीटर, स्पीडोमीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, फ्यूल इंडिकेटर, ऑडोमीटर, ये सभी चीज़ें हैं, और इंजन ऑन ऑफ, अगेन एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल, मालफंक्शन की लाइट, इधर ये सारी लाइट्स हैं, दैट्स ऑल। उसके अलावा तो हैसन सच यहाँ पर कुछ है नहीं। ये देखो रियल टाइम फ्यूल जो है वो भी आपको बताएगा कि कितनी एफिशिएंसी यहाँ पर मिल रही है। ट्रिप ए, ट्रिप बी, ये आपको यहाँ पर दिख ही रहा है, एंड और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को जो है यूएसबी ए टाइप चार्जिंग पोर्ट जो है वो मिलती है, सी होती तो मज़ा आ जाता। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से देख ली, अब चलते हैं और चला के देखते हैं कि चलाने में जो है N250 कैसी फील होती है। लेट्स गो फॉर अ राइड। सो गाइस चलते हैं और चला के देखते हैं कि N250 चलाने में कैसी फील होती है। फर्स्ट गियर, क्रॉल मोड यूज़ करें, चलो कर लेते हैं। ये देखो क्रॉल फंक्शन, सेकेंड गियर, और लगभग 17 की स्पीड पे बाइक चलती है सेकंड गियर में, क्रॉल मोड में, कोई रेस नहीं दे रहा। देखो स्पीड बढ़िया है इसकी, बट अगेन बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में काम में नहीं आएगी ना, फर्स्ट गियर में चलाओ फिर। ओके, अब बात करते हैं सीटिंग पोजीशन की। तो अगेन सीटिंग पोजीशन अच्छी है, शॉर्ट राइडर के लिए भी, टॉल राइडर के लिए भी, थोड़ा सा लीन होकर बैठना पड़ता है, और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक वगैरह में चलाना है, डे टू डे लाइफ कम्यूट करना है आपको, कहीं पर भी बढ़िया सीटिंग पोजीशन है, कोई दिक्कत नहीं आपको जो है वो सीटिंग पोजीशन से रिलेटेड नहीं आएगी। और बाइक काफ़ी इजी टू मनूवर है, हैंडल पे बहुत ज़्यादा ऐसे वेट फील नहीं होता है, तो बहुत ही इजीली आप मनूवर जो है इसको कर सकते हैं कहीं पर भी, जैसे यू टर्न लेना है एकदम से, कहीं आगे पीछे करना है, चला रहे हैं उस टाइम पे, तो सभी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से जो है वो होने लगती है इसके अंदर। नेक्स्ट, अर्गोनॉमिकली बाइक सेटेड है, पूरा सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी हाथ वगैरह में जैसे स्विचेस वगैरह वो रीच आउट हो जाते हैं। आपको अगर चेंज करना है मोड को तो इसको डबल बार प्रेस करो, आपका जो मेन्यू है रेस छोड़ के, रेन में आ गई, ऑफ रोड पे आ जाएगी, और ये आपका वापस से रोड पे ले लेते हैं इसको। हट जाओ गाइस, ऑफ रोड मोड में लगा दी हमने बाइक को, रोड पे आ गई, ठीक है, डन। तो ये सीन है, लाइक ओवरऑल मोड से जो चेंज करने का है वो थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कि चेंज होने में टाइम लगा रहा है, बट इट्स ओके, क्योंकि पावर का चेंज नहीं होता है, जो एबीएस है बस वही चेंज हो रहा है, एबीएस का जो फ्लक्चुएशन है उसके अंदर चेंज आता है। ट्रैक्शन कंट्रोल आप ऑन ऑफ अपने हिसाब से जो है वो कर सकते हो, स्विचेबल आपको ये ट्रैक्शन कंट्रोल इसके अंदर मिल जाता है, तो अगर आपको चाहिए कि नहीं आपकी बाइक पीछे वाले टायर स्कीड वगैरह नहीं करे तो आप आराम से चलाओ ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह ऑन करके, और नहीं तो डेफिनेटली मज़े करो फिर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करके। तो एटलीस्ट आपके पास में ये मज़े करने का ऑप्शन तो दिया। कांच से जो मिरर है, रियर व्यू मिरर से पीछे का व्यू काफ़ी अच्छा दिख जाता है। फ्रंट सस्पेंशन की और रियर सस्पेंशन की बात करेंगे अभी चलाते चलाते, कि सुबह जितना मैंने चलाया उसमें मेरे को कितना फील हुआ है। लिटरली यार क्या पंच है बाइक के अंदर, और साउंड सुन रहे हो, वॉक अराउंड में मैंने आपको बोला था ना कि ऐसे बेस ज़्यादा है, लाउडनेस कम है, चलाते हैं ना मतलब तो ठीक ठाक लाउड लगता है, मतलब ऐसा फील नहीं होता है कि यार लाउडनेस कम है, बढ़िया सी लाउडनेस जो है वो आपको फील हो जाती है।
ये चीज़ मेरे को बढ़िया लगती है चलाते चलाते। और बट यही है कि जो बाइक धीरे चल रही होती है, खड़ी होती है, तो थोड़ा सा बेस तो फील होता है, लाउडनेस जो है वो थोड़ी सी कम फील होती है। ऑरेंज लाइट पे निकल गया यार मैं। अरे भैया क्या कर रहे हो। हाँ जी, ब्रेक्स की बात करें तो ब्रेक्स अच्छे हैं, ABS जो है वो किक इन कर जाता है मस्त तरीके से एकदम। और अब जो है टायर चौड़े हो गए तो ग्रिप जो है वो बढ़िया बन के आ रही है, मतलब ज़्यादा सरफेस एरिया जो है वो आपका टच होता है ना, मतलब उस पर रोड से, तो उसकी वजह से ग्रिप अच्छी मिलती है, ब्रेकिंग भी अच्छी लगती है और चलाने में भी थोड़ा सा मज़ा जो है वो बड़ा है। चलाने का मज़ा जो है वो डेफिनेटली थोड़ा सा बड़ा है, मज़ा आता है बाइक को चलाने में। और सबसे अच्छा मेरे को यही लगता है कि ओवरऑल जो फीडबैक है बाइक से वो काफ़ी अच्छा मिल रहा होता है। सस्पेंशन स्पेशली अगर बात करूँ तो पीछे वाला थोड़ा सा स्टीफ साइड में फील होता है, फ्रंट वाला तो एकदम परफेक्टली बैलेंस्ड है। अपसाइड डाउन फॉक्स ने मज़ा ही दे दिया बाइक का चलाने का, अलग लेवल की फील जो है वो आने लग गई है। कम्प्लीटली ऐसा फील होता है कि अब हाँ कुछ नया जो है वो हो गया है, तो नयापन डेफिनेटली बाइक के अंदर है। तो गाइस यही सभी चीज़ें, ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है इस बाइक को लेके, क्योंकि मैंने मोस्टली अभी सिटी में चलाया, हाईवे वगैरह पे चलाने का मेरे को मौका मिला नहीं। 3000 से 6000 RPM पे ठीक ठाक पावर जो है बाइक दे देती है, ऑलमोस्ट काम का आपका सब बढ़िया सा जो है वो हो जाता है। और सिटिंग कम्फर्ट बढ़िया है, डे टू डे लाइफ में यूज़ करने के लिए 1.5 लाख रुपये में अगर 250 cc की बाइक मिल रही है, नेकेड स्ट्रीट बाइक है, मज़ेदार है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से जो है वो इसके ऊपर आप जा सकते हो। पार्ट्स की क्वालिटी भी डिसेंट मेरे को लगी, कनेक्टिविटी भी जो है मोबाइल की आ ही गई है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंटिल देन गाइस ड्राइव सेफ एंड राइड सेफ़।